दोस्तों, पृथ्वी पर समुद्र की गहराई इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी पहेली है, साथ ही इसे सुलझाना और भी बड़ी चुनौती। हालांकि अंतरिक्ष और समुद्र ने आज इंसान को दुविधा और अनिश्चितताओं में डाल दिया है, क्योंकि कई रहस्यमय चीजों और गतिविधियों से भरे हुए अंतरिक्ष और समुद्र वाकई एक बहुत बड़ी खोज का बिंदु है, जहां हर दिन कोई एक नई चीज की खोज होती है और उस पर गहन शोध भी किया जाता है। जैसे कि हाल ही में एक अजीबोगरीब मछली को खोजा गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। और दोस्तों, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम इस मछली के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे मछलियों का नाम जब भी जुबान पर आता है, तब हमारे मन में एक पानी में तैरते हुए जीव की छवि सामने आती है, जिसके पास एक चपटा शरीर और बाहर की ओर निकलने वाले कुछ पर मौजूद रहते हैं। ज्यादातर देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगने वाला ये जीव हमेशा समुद्र या किसी जल राशि में ही पाया जाता है, पर कई मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो कभी भी सतह पर आती ही नहीं है। इसलिए ऐसी मछलियाँ हमेशा से इंसानों की नजरों से दूर समुद्र की अनंत गहराई में छिपी हुई मिलती हैं। दरअसल इन दिनों अमेरिकी समुद्र तट पर वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीबोगरीब मछली को अपने कैमरे में कैद किया है। ये मछली कैलिफोर्निया के मॉन्ट्रे बे में देखी गई है। इस मछली का सर हरे रंग का और उभरा हुआ है, साथ ही यह देखने में पारदर्शी भी है। इसके अलावा आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मछली की आँखें इसके माथे के बीचों बीच है, जबकि आंखों का ऐसी जगह पर होना एक बहुत ही बड़ी और अजीब बात है, क्योंकि मछलियों की आंखें माथे के दोनों किनारे पर होती हैं, ना कि माथे के बीच में। खैर, इस अजीब सी दिखने वाली मछली का नाम बैरले फिश है, जिसे विज्ञान की भाषा में मैक्रोपिना मैक्रोस्टोमा के नाम से भी बुलाते हैं। ये मछली देखने में बहुत ही दुर्लभ और खास है। एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इस मछली को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने लगभग अपने 5600 प्रोव को समुद्र में भेजा था, परंतु प्रोव ने इसे सिर्फ 9 बार ही खोजा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये मछली कितनी दुर्लभ होगी। वैसे दोस्तों, जिस वक्त इस मछली को समुद्र में देखा गया था, उस समय ROV यानी रिमोटली ऑपरेटेड अंडरवाटर व्हीकल समुद्र के सतह से 650 मीटर गहराई में मौजूद था। हालांकि जैसे ही ROV ने इस मछली को खोज लिया, तब पूरे वैज्ञानिकों के गुट में खलबली मच गई। कई वैज्ञानिकों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऐसी दुर्लभ चीज को देखकर कोई भी हैरान हो ही जाएगा। इसीलिए इस घटना को वैज्ञानिक अपने जीवन में घटित होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मछली की आंखों के पास जो दो कैप्सूल आकार के अंग मौजूद हैं, उनसे यह सूंघ सकती हैं। साथ ही यह जापान के पास मौजूद बेरिंग समुद्र से लेकर कैलिफोर्निया के बाजा तक के इलाके में रहती हैं। ये मछली समुद्र के सतह से लगभग 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में रहती हैं। इनकी एक अजीब बात यह भी है, ये खुद से हिलडुल नहीं सकती। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह अपने खाने के लिए केवल जूप्लैंकटन और जेलीफिश के ऊपर निर्भर रहती हैं, क्योंकि खाने के ये दोनों ही स्रोत जब मछली के पास आते हैं, तभी ये उसको खाती हैं। हालांकि कई बार इसे अपने खाने के लिए मडराता हुआ भी देखा गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वाइल्ड वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।